हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बोला भी था कि टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली, तो टेस्ट सीरीज स्टार्ट भी हो गई होगी। और अगर आप टेस्ट देना स्टार्ट भी किए होंगे तो आप देख रहे होंगे वीडियो सॉल्यूशंस भी उसमें है। जैसे मेरे नेटवर्क में मेरे वाले वीडियो सॉल्यूशन है, गुरुपाल सर के वीडियो सॉल्यूशन है, मैथ्स में सुजय सर के डिजिटल और सिग्नल में है, तो आपको वीडियो सॉल्यूशन में भी मजा आएगा। तो टेस्ट सीरीज आप अच्छे से देते रहिएगा, बहुत ही अच्छे से केयर कीजिएगा। ठीक है, मेरे को जो आज का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट था कि मेरे को आपको इन्फॉर्म करना था कि बैचेस के बारे में इन्फॉर्म कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को मैसेंजर में इंडिविजुअल लोग इतने सारे क्वेश्चन करते हैं कब बैचेस चालू हो रहा है, कब आपका स्कॉलरशिप टेस्ट है, तो बहुत सारी चीज़ें रहती है। और इतने सारे लोग भिलाई से, जितने भी आउटसाइड के लोग हैं, जितने भी छत्तीसगढ़ से बाहर के लोग हैं, उन लोगों का बहुत सारे लोगों का मैसेज आते रहता है। ठीक है, और स्पेशली थैंक यू वेरी मच इतना अच्छा अप्रिसिएशन के लिए कि इतने सारे लोग ऑलरेडी भिलाई ज्वाइन कर चुके हैं, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड है जो भी अभी हो रहा है, जो मैं कभी ड्रीम में कभी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा भिलाई में कभी माहौल बन सकता है। ठीक है, तो अभी केयरिंग वाला पार्ट और बढ़ गया आपके पास। आप मेरे अंदाज से हर चीज़ों को इंजॉय भी कर रहे होंगे। आप जितने लोगों को भी प्रीवियस ईयर जो सॉल्यूशन वाली जो बुक थी, जितने लोगों को मिल चुकी होगी, उन लोगों के भी रिव्यू अच्छे आ रहे हैं, उनको भी मज़ा आ रहा होगा, है ना। थोड़ा सा मैं सॉरी फील करता हूँ कि डिलीवरी वाला जो पार्ट था वो उतना अच्छा एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, थोड़ा सा टाइम लगा, लोगों को बहुत आराम से मिली डिलीवरी। तो हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कि आपका डिलीवरी वाला पार्ट और भी इम्प्रूव हो। हमारी बात चल रही है नेक्स्ट टाइम जो भी बुक लॉन्च होगी। ठीक है, तो मैं मैथ्स का भी अनाउंसमेंट जल्दी ही करने वाला हूँ आपके पास। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक बोला भी हूँ, सभी ब्रांच के लिए कॉमन है, तो चाहे सिविल हो चाहे मैकेनिकल, उसका भी अनाउंसमेंट करूंगा, तो वो उस केस में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो देखते हैं, बोला डे बाय डे हम लोग ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इंडिया लेवल पे बात चल रही है, इंडिया लेवल पे इंप्रूवमेंट की बात चल रही है कि हम अच्छे लेवल में प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमारे लिए फर्स्ट टाइम है। हाँ, क्लासरूम जो प्रोग्राम होता है उसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो भी ये बुक्स पब्लिकेशन वाला जो पार्ट है थोड़ा सा केयर करने वाली बात होती है। ठीक है, तो मैं आपको जस्ट अनाउंस कर देता हूं आपके पास कि क्या क्या बैचेस कहां कहां पे स्टार्ट होने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं भिलाई की बात करूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो क्वेश्चन है भिलाई का है, तो भिलाई का जो ड्रॉपर बैच है वो 15 मई से स्टार्ट हो रहा है। 15 मई से ड्रॉपर बैच स्टार्ट हो रहा है, जस्ट मैं बोलते जा रहा हूं, आप सुनते रहिएगा। सेकंड चीज़ है कि डिस्क्रिप्शन में आपका पूरा का पूरा एक PDF बना हुआ है, उसमें पूरा का पूरा दिया हुआ है कि किस लोकेशन में, किस ब्रांच में, कौन सा सब्जेक्ट आपके पास कब से स्टार्ट हो रहा है, पूरा प्रॉपर वे में डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो भी मैं बता देता हूं आपको। तो भिलाई में ड्रॉपर बैच स्टार्ट हो रहा है, 15 मई से स्टार्ट हो रहा है, और 14 मई को स्कॉलरशिप टेस्ट रहेगा, 14 मई को मॉर्निंग 11 AM, और एक सेमिनार भी रहेगा, मैं ही सेमिनार रख लूँगा 14 मई को मॉर्निंग 11 AM, और आपका स्कॉलरशिप टेस्ट भी रहेगा। और 15 मई से मैं कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट करूँगा भिलाई के लिए, तो जो ड्रॉपर बेच होगा वो भिलाई के लिए मैं कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट करूँगा 15 मई से। ठीक है, उसके बाद भिलाई की अगर एक नेक्स्ट बेच की बात करें, तो एक ड्रॉपर बेच स्टार्ट हो रहा है, फिर से एक और ड्रॉपर बेच स्टार्ट हो रहा है, और एक रेगुलर बेच भी स्टार्ट हो रहा है, वो 20 जून से स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों का एग्जाम 15 मई तक खत्म नहीं हो रहा है, लगभग मई के लास्ट वीक तक चल रहा है जिन लोगों का एग्जाम, तो वो लोग 20 जून से ज्वाइन कर सकते हैं। और 20 जून से जो लोग भी ज्वाइन करेंगे, रेगुलर बेच भी है वो, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है वो लोग तो 20 जून को नॉर्मली आते हैं, जितने भी भिलाई के आसपास के लोग हैं वो लोग भी रेगुलर बेच में आते हैं, तो उन लोगों के लिए भी प्लानिंग है 20 जून से स्टार्ट होने की। ठीक है, स्पेशली मैं YouTube में जितने लोग हैं उनको स्पेशली बता रहा हूँ, भिलाई वालों को तो आइडिया रहता है। और 19 जून को एक स्कॉलरशिप टेस्ट होगा आपके पास, और उसका जो टाइमिंग है 2 PM है, 2 PM से स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। इवन मैं एक सेमिनार भी लूँगा, जस्ट आपसे बात करूँगा थोड़ी देर, और उसके बाद आप लोगों का टेस्ट पेपर होगा। ठीक है, तो भिलाई के दोनों बेच की बात कर लिया, और जो मैं 20 जून से जो मैं स्टार्ट करूँगा ड्रॉपर बेच, उसमें मैं नेटवर्क से स्टार्ट करूँगा, और ऑपरेशन एम्पलीफायर दैट मीन्स एनालॉग सर्किट का एक टॉपिक होगा, ऐसे दो टॉपिक मैं लूँगा। ठीक है, तो मेरी क्लास से स्टार्ट होने वाला है। इसमें कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि सर अगर हम 1 जून से अगर आ जाए तो पॉसिबल है क्या? तो अगर आप सपोज करो 15 मई से तो मैं चालू कर रहा हूँ, तो 30 मई के बाद अगर आप आते हो और 1 जून से आते हो, और नेक्स्ट बैच हमारा 20 जून से चालू हो रहा है, तो अगर आप 1 जून से आते हो तो 1 जून से 20 जून के बीच में भी क्लासेस चलते रहेगी? किन लोगों की क्लास चलते रहेगी? जो लोग भी 15 मई से ज्वाइन किए हैं उन लोगों की क्लासेस चलते रहेगी। तो अगर किसी को लगता है कि वो 1 जून को आ सकता है तो 15 मई वाले बैच में ज्वाइन लेगा, कंटिन्यू कर लेगा। तो आप 1 या 2 जून को भी अगर आते हो तो आप आ जाइएगा, आप वेट मत कीजिएगा, क्योंकि आपके जितने भी दिन आप जितने जल्दी आओगे भिलाई उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये भिलाई की बेचेस की बात कर लिया। नेक्स्ट आपके पास अगर मैं बात करूँ रायपुर के, रायपुर में अगर कोई स्टूडेंट अगर ज्वाइन करना चाहता तो ड्रॉपर बेच के लिए जो डेट है वो 17 मई है, रायपुर के लिए ड्रॉपर बेच 17 मई है, और वहां पर मैथ्स चालू हो रहा है, और जो मैथ्स चालू हो रहा है आपके पास तो उसमें कॉमन सब्जेक्ट रहेगा, और रायपुर में 16 मई को स्कॉलरशिप टेस्ट है इवनिंग 5 PM, ये रायपुर का है। अगर मैं भोपाल की बात करूं तो भोपाल में ड्रॉपर और रेगुलर बैच स्टार्ट हो रहा है 2 जून से स्टार्ट हो रहा है,
कंट्रोल सिस्टम मैं लेने आ रहा हूँ भोपाल में। मैं प्रॉमिस भी किया था आपको कि भोपाल में मैं कंट्रोल सिस्टम लूँगा, तो 2 जून को मैं कंट्रोल सिस्टम की क्लास लूँगा और 1 जून को स्कॉलरशिप टेस्ट है आपके पास 4 PM। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 1 जून को जो 4 PM आप आओगे तो एक सेमिनार भी रखा गया है, तो उस सेमिनार में जो भोपाल में 1 जून को सेमिनार लूँगा, है ना, डेट आप ध्यान रखना, 1 जून इवनिंग 4 PM जो मैं सेमिनार लूँगा उसमें कोई भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि आपको गेट अकेडमी ज्वाइन करना है तो ही आप आ सकते हो। अगर आप किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर चुके, ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके और आपको मैं से कुछ बात करना है, कुछ मैं इन जनरल बात करूंगा, सभी लोगों के लिए इन जनरल बात करूंगा, तो उसके लिए ये कंपलसरी नहीं है कि आप गेट अकेडमी ज्वाइन कर रहे हो तो ही आइएगा। अगर आप गेट अकेडमी में ना भी हो तब भी आप उस सेमिनार में आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और जो गेट अकेडमी ज्वाइन करना चाहता वो लोग तो रहेंगे, ठीक है, तो एक सेमिनार रखते हैं, पहली बार भोपाल में इस टाइप का एक सेमिनार इंगेज कर लेता हूँ, आप लोगों से मिल लेता हूँ, आप लोगों की प्रॉब्लम समझ लेता हूँ। इवन आप किसी दूसरे कोचिंग में भी पढ़ रहे हो तो आप कुछ भी क्वेश्चन में से कर सकते हो, तो बहुत हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। आपके कुछ क्वेश्चन अगर बेसिक क्वेश्चन होंगे तो आप बिल्कुल बात कर सकते हो, है ना, इवन आप यूट्यूब वीडियो से तो बहुत सारी चीज़ें देख ही रहे होंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए कोई भी ये ना सोचे कि जो सेमिनार है वो सिर्फ गेट अकेडमी जो ज्वाइन करने वाला उन्हीं लोगों के लिए, जिनको टेस्ट नहीं भी देना है उनको सेमिनार में आना, वो आ सकते हैं। तो 1 जून को जो मैं रखूँगा भोपाल में वो इंपॉर्टेंट होगा आपके पास जो सेमिनार लेने वाला हूँ, ठीक है। तो ड्रॉपर और रेगुलर बेच रहेगा जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट रहेंगे जो 2 ईयर्स के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग भी 2 जून से मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं कंट्रोल सिस्टम की, जो 2 ईयर्स के लिए ज्वाइन करेंगे। और जो ड्रॉपर बेच रहेगा वो भी 2 जून से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट आपके पास अगर मैं इंदौर की बात करूँ तो इंदौर में ड्रॉपर और रेगुलर बेच स्टार्ट हो रहा है 2 जून से, 2 जून से स्टार्ट होगा वो, मैथ्स जो सब्जेक्ट है उससे स्टार्ट हो रहा है। गुरुपाल सर आ रहे हैं इंदौर तो वो आपकी मैथ्स से स्टार्ट करेंगे, कॉमन सब्जेक्ट होगा मैथ्स तो उससे स्टार्ट होगा। और 1 जून को आपका स्कॉलरशिप टेस्ट है 11 AM मॉर्निंग 11 AM आपके पास जो होगा स्कॉलरशिप टेस्ट रहेगा 1 जून को। इंदौर वाले लोग नोट कर सकते हैं कि इंदौर में मैं एक सेमिनार रखा हूँ, इंदौर में मैं 8 जुलाई को इवनिंग 4 PM एक सेमिनार लेने आ रहा हूँ इंदौर में। इसका मतलब है कि मैं इंदौर में 8 जुलाई को 4 PM एक सेमिनार लूँगा, ठीक है। तो उसमें अगेन आपके पास इंदौर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कोई भी ब्रांच वाला हो, अगर उनको लगता है कि सेमिनार अटेंड करना है फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल सेंटर पे आके बिल्कुल सेमिनार आप अटेंड कर सकते हो, किसी भी कोचिंग में आप पढ़ते हो, नो वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं। गेट अकेडमी वाले लोग तो रहेंगे, नॉन गेट अकेडमी वाले स्टूडेंट लोग भी उस सेमिनार में आ सकते हो। और मैं बताया कि भोपाल में जो मैं सेमिनार लेने आ रहा हूँ वो 1 जून को रहेगा आपके पास इवनिंग 4 PM, उसमें भी आप कोई भी आ सकता है। तो 2 जगह पे मैं आ रहा हूँ आपके पास, और भोपाल में तो क्लास भी लेने आ रहा हूँ, ठीक है, और इंदौर में मैथ्स से स्टार्ट हो रहा है आपका। तो मैक्सिमम मैं इन्फॉर्मेशन बता चुका हूँ आपके पास। इसमें अगर कुछ भी, अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा आपके पास तो सब नंबर दिए रहेंगे, फ़ोन नंबर, आप हेड ऑफिस भिलाई हेड ऑफिस कॉल कर सकते हो। अब एक और चीज़ आपका डाउट का पार्ट हो सकता है कि सर मेरे को कौन सा सेंटर ज्वाइन करना चाहिए, अगर मैं ड्रॉपर अगर स्टूडेंट हूँ तो मेरे को कौन सा सेंटर ज्वाइन करना चाहिए, तो नो डाउट आपका जो फर्स्ट चॉइस होना चाहिए वो भिलाई होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी दूसरी जगह पे जाकर रह सकते हो तो मेरे को लगता है कि आपका फर्स्ट चॉइस भिलाई होना चाहिए, मतलब अगर मैं प्रेफरेंस की अगर बात करूँ तो। इसलिए नहीं कि भिलाई में सबसे बेस्ट होने वाला है, इसलिए क्योंकि जो फैकल्टी हम लोगों की, जो हम लोग, जो मैं भी स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भिलाई में ही रहता हूँ, तो मैं ऑल टाइम भिलाई में रहता हूँ। अगर मैं भोपाल क्लास लेने जाऊँगा तो मैं कुछ दिन के लिए क्लास लेने जाऊँगा, लेकिन भिलाई में जो रहता हूँ परमानेंट रहता हूँ। इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं कि भोपाल में कम आपको मिलने वाला है, भोपाल में भी एग्जैक्टली आपको बहुत बेहतरीन फॉर्म में मिलेगा। लेकिन अगर आप भोपाल के स्टूडेंट्स हो, आप भोपाल में ही रहते हो और आप भोपाल में ही ज्वाइन करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप भोपाल वाला बेच ज्वाइन कर सकते हो, भोपाल में आप क्लास बिल्कुल आ सकते हो। अगर आप इंदौर में रहना चाहते हो, आप इंदौर के स्टूडेंट्स हो तो आप इंदौर वाला ज्वाइन कर सकते हो। आप रायपुर के हो और आप रायपुर में ही ज्वाइन करना चाहते हो तो आप रायपुर ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि आप किसी भी दूसरी सिटी में जाकर रह सकते हो तो फिर यू आर मोस्ट वेलकम कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पे भिलाई रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग की जितनी भी टीम है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे जो कोर मेंबर है वो नॉर्मली भिलाई में रहते, तो भोपाल में हो चाहे मैं रायपुर की बात करूँ तो हम लोग क्लासेस लेने जाते, ठीक है, पूरा प्रॉपर वे में इंगेज करते, लेकिन भिलाई में मैक्सिमम टाइम रहते। तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप भिलाई रखिएगा, जितने भी ऑल ओवर इंडिया से जितने भी स्टूडेंट लोग अगर फर्स्ट प्रेफरेंस रखना चाहते हैं तो भिलाई रखिएगा, ठीक है। मैं एक्सप्लेन भी किया कि बाकी किसी भी सेंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे भोपाल में मैं तो आ ही रहा हूँ कंट्रोल सिस्टम पढ़ाने आ रहा हूँ, तो उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा अगर मैं भोपाल में कंट्रोल सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैं भिलाई में कंट्रोल सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, चाहे फिर मैं रायपुर में कंट्रोल सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। मैं अच्छे से ही इंगेज करूँगा, अच्छे से हैंडल करूँगा, हर जगह मैं एक ही स्टाइल से पढ़ाता हूँ, तो उसके लिए किसी को वरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैं आपको एक शेड्यूल बता दिया, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा कि क्या क्या शेड्यूल रहता है। सेमिनार जरूर, इंदौर वाले सेमिनार जरूर अटेंड कीजिएगा, भोपाल वाले सेमिनार जरूर अटेंड कीजिएगा। और मैं बोला भी कि थैंक यू वेरी मच कि इतना अच्छा एप्रिसिएशन दे रहे पूरे इंडिया से लोग, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था, डेली लोगों से मिल रहा हूँ जो भिलाई आ रहा है आपके पास,
ठीक है। बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से वर्कआउट करो, अगर आप भिलाई में अगर आ रहे हो तब बिलीव कर रहे हो, और हमारे साइड से 100% दिया जाएगा। हम ट्राई करेंगे कि आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट दे, वैसा क्वालिटी ऑफ कंटेंट कोई भी नहीं देता है, ऐसा हम लोग ट्राई करेंगे बिल्कुल, और वो आपको मिलेगा। लेकिन एट द एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना अच्छा वर्कआउट करते रहे, अपनी अच्छी प्लानिंग करते रहे, जितना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट करें। अगर आपको लगता है कि आपका रैंक इस बार बहुत अच्छा है, तो और आपको रैंक को इंप्रूव करना है, तो यू आर मोस्ट वेलकम कि आप भिलाई आ जाइए। और आपको एक दो सब्जेक्ट अगर अटेंड करना है तो मैं से एप्लीकेशन में साइन करवा लीजिएगा, वो एक दो सब्जेक्ट के लिए बहुत मिनिमम फीस के साथ मैं आपको अलाउ कर दूंगा, और आप भिलाई में रह के स्टडी कीजिए, आपको मजा आएगा। अगर आप किसी भी दूसरे सिटी में रहते हो तो उससे कम कॉस्ट में भिलाई में आप रह सकते हो। भिलाई का जो माहौल है, जो अभी गेट अकेडमी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो माहौल है, वो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो अगर आप किसी दूसरी जगह पर रहना चाहते हो, अगर आप घर में रह के पढ़ रहे हो ओके, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप किसी भी सिटी में रहे अगर हो और आप रैंक इंप्रूवमेंट, अगर आप रैंक को इंप्रूव करना चाहते हो, सपोज करो आपका 1200 रैंक आया और आप चाहते हो कि नहीं मेरे को ठीक इस बार एमटेक नहीं करना, इस बार मेरे को अंडर 10 रैंक लाना है, तो यू आर मोस्ट वेलकम कि आप भिलाई आ जाइए। आपको कोई डाउट्स रहेगा बिल्कुल आप डिस्कस कर सकते हो, एक अच्छी हमारी टीम है, स्टूडेंट की अच्छी टीम है, तो हम लोग बहुत अच्छे फॉर्म में और भी अपने रैंक को इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं डे बाय डे प्लान करते जा रहा हूं कि आपको कैसे बेस्ट फॉर्म में आपको चीजें मिल सके। जैसे मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में इतना सारा भी हम लोग काम कर रहे हैं कि आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक देख के बहुत मजा आने वाला है। स्पेशली सिविल और मैकेनिकल वाले लोग बोले थे हमारे लिए आप कुछ भी नहीं निकाल रहे हो, क्लियर। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी हम अभी तक कुछ नहीं निकाले, सिर्फ ईसीओ डबल ई के लिए निकाले। तो जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक आएगी वो केमिकल वालों के लिए भी होगी, वो पीआई वालों के लिए भी होगी, प्रोडक्शन वालों के लिए भी होगी, वो इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए भी होगी, वो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल सभी ब्रांच के लिए होगी जो कॉमन आपके लिए है। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि जब भी जो भी मैं कंटेंट्स निकालूँ, जो भी मैं बुक निकालूँ, वो बहुत ही बेस्ट फॉर्म में हो, जिससे कि आप इंजॉय कर सके। तो आप बिल्कुल वरी मत करना, हर जो भी बुक निकलेगी गेट अकेडमी से बहुत ही अच्छे फॉर्म में रहेगी, इस चीज़ का मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि उसमें आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी टीम पूरा ट्राई कर रही है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, गुरुपाल सर पूरा मैथ्स को देख रहे हैं, तो और उसमें मैं आपको बताऊंगा जब बुक लॉन्च करूंगा तो मैं आपको उसके स्पेशल फीचर्स बताऊंगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। जब बुक आने दो तभी बात करता हूँ, तो हो सकता है 15 डेज के बाद मैं आपको अनाउंस करूँ, ठीक है। तो अभी तो मेरे को बैच का अनाउंस करना था आपके पास कि बैच की क्लासेस कैसे होगी, कैसे आपके पास हम इंगेज करेंगे, जितने लोग आ रहे हैं उनको कैसे हैंडल करेंगे। तो आप बिल्कुल वरी ना करें, बिल्कुल आप फ्रंट डेस्क में बात कर ले गेट अकेडमी के, जितने लोग भी भिलाई आना चाहते हैं जरूर फ्रंट डेस्क से आप हेल्प ले ले कि यहाँ पे जो भी आपको रहने का है या फूडिंग का है वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा, फ्रंट डेस्क आपका केयर करेगा, ठीक है। और टेस्ट सीरीज को बहुत सीरियसली देंगे, क्योंकि इस बार मैं चाहता हूँ पूरा इंडिया टेस्ट सीरीज दे, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं आपको बहुत ही कम प्राइस में आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूंगा, और मैं अपना प्रॉमिस बिल्कुल बिल्कुल आपको जो बोला था वो किया। मैं इवन वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया, उसके बाद भी उसकी कॉस्ट इंक्रीज नहीं किया। हम लोग चाहते हैं कि ठीक है जितना भी वर्कआउट करना पड़े आपके लिए वर्कआउट करें, तो उस वे में आपके लिए वर्कआउट किया जा रहा है। तो आप टेस्ट की हेल्प लें, आपको प्रीवियस ईयर की जो बुक प्रोवाइड की गई है उसकी आप हेल्प लें, बिल्कुल उसका रिव्यू देखेगा आपको मजा आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि पूरा कनेक्टिविटी अच्छा रहे। सेकंड चीज़ आप देख रहे होंगे कि यूट्यूब में जो वीडियो आ रहा है, अभी आप देख रहे होंगे कि EMT के वीडियो आ रहे हैं साकेत सर के, तो आप इंजॉय कीजिए उन वीडियो के साथ, आपको मजा आने वाला है। साकेत सर के और भी वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। मैं भी कुछ वीडियो प्रोवाइड करूंगा, अभी मैं इसरो के कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया था, ठीक है। उसके पहले मैं ग्राफ थ्योरी का पूरा के पूरे 5 पार्ट्स में मैं ग्राफ थ्योरी आपको प्रोवाइड किया, ठीक है। तो हम ट्राई कर रहे हैं आपके पास कि डे बाय डे आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते रहे, आप कनेक्टेड रहे, आपको मजा आते रहे। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि सर मशीन के कुछ वीडियो नहीं आ रहे, तो मैं आपको प्रॉमिस किया था उस समय भी कि जो लोग बुक परचेज करेंगे उस बुक में कुछ स्पेशल रहेगा। तो आप लोगों को जो प्रोवाइड किया गया है वो ट्रांसफार्मर और सिंक्रोनस का प्रोवाइड किया गया। अब इंडक्शन और डीसी मशीन के जो वीडियोस है उसके QR कोड बुक्स में अवेलेबल है, तो बुक्स वालों को कुछ ना स्पेशल मिलना चाहिए था, इसलिए इंडक्शन और डीसी मशीन की जो वीडियोस है वो बुक के QR कोड में अवेलेबल है। और अगर मैं बात करूं कि हम लोग ओपनली कब कर देंगे यूट्यूब के लिए, अभी वो प्राइवेट है, तो हो सकता है कि सितंबर के बाद हम उसको ओपन कर दें, क्योंकि स्पेशली मैं प्रॉमिस किया था जो लोग बुक परचेस कर रहे हैं उनको कुछ तो स्पेशल मिलेगा, तो इसलिए मैं कैसा करना पड़ा। तो आपके बहुत कमेंट्स आते रहते हैं कि सर और कब वीडियो आएंगे, तो वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं, ऑलरेडी यूट्यूब में आपके पास अपलोड कर चुके हैं, बट वो प्राइवेट है, तो जिन लोगों के पास बुक है वो उसको इंजॉय कर सकते हैं, और बाकी लोगों को फिर वेट करना पड़ेगा, हो सकता है सितंबर के बाद हम उस प्राइवेट को पब्लिक करें, ठीक है। इसके लिए किसी भी चीज़ को आपको अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है, हम ट्राई कर रहे हैं कि चीज़ें अच्छे फॉर्म में दे सके। तो आप हर चीज़ का रिस्पेक्ट करें, हर चीज़ का केयर करें, हम लोग भी केयर कर रहे हैं। जितना हम लोग की कनेक्टिविटी रहेगी, जितना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगा, उतना ही अच्छा हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म भी करेंगे, और बहुत अच्छा हमको हमारा जो पार्ट होगा वो भी इंप्रूव होगा, ठीक है। तो मैं आपसे हमेशा बात करते रहूंगा, और आपको और भी बात करते रहूंगा कि किस वे में हम और भी कनेक्टेड होंगे, और किस वे में और आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, तो बहुत सारी बात मैं करते रहूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन फिर मैं एंड करता हूं, आपसे जो बात करना था मैं बात आपको रख दिया। बिल्कुल आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगी आप फ्रंट डेस्क गेट अकेडमी से बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं, इंजॉय करते रहिए, और आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे मोड में रखिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।